आगरा मेट्रो लोगों का सफर बेहतर बनाने के साथ ही महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दे रही है। सरकार की मंशा है कि सन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आगरा में मेट्रो दौड़े। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो पहली आगरा मेट्रो की कमान भी महिला ड्राइवर के हाथ में होगी। इस पर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम मिलवाते हैं आगरा मेट्रो की महिला इंजीनियर की, जो अलग अलग फील्ड में मेहनत कर रही हैं। परिवार में मेरे फादर रिटायर्ड SI थे, अभी वो रिटायर्ड हैं, घर पे ही हैं। और मेरी बहन जो है मेरे से बड़ी, वो डॉक्टर है KGMU में। मेरा बड़ा भाई एज अ लॉयर प्रैक्टिस कर रहे हैं झांसी में। मेरा छोटा भाई BTech करके गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है और बड़ी बहन टीचर है। मुझे लगता है कि मेट्रो काफ़ी सपोर्टिव है वुमेंस को लेके, सारी हर चीज़ काफ़ी अच्छे से मैनेज्ड हैं और हम लोगों को काफ़ी मोटिवेट भी किया जाता है कि हम लोग अपना काम अच्छे से करें और सेफ्टी सिक्योरिटी हर एक चीज़ की विशेष मतलब ध्यान दिया जाता है। हर एक चीज़ का वर्क एनवायरमेंट बहुत अच्छा है, सीनियर्स मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और मुझे लगता ही नहीं है कि मैं मतलब ऑफिशियल उस पर हूँ। मुझे काफ़ी मतलब फ्रेंडली फीलिंग आती है और बहुत ही चीज़ें मेरे लिए अच्छी हैं काफ़ी। अभी एज पर करंट गवर्नमेंट नॉर्म्स चीज़ें पहले से काफ़ी अच्छी हो गई हैं। पहले लेडीज़ इतना ज़्यादा ऑफिस में नहीं दिखते थे। मेरा सफ़र यहाँ तक का काफ़ी अच्छा रहा है। मैंने डिपो के स्टार्ट में यहाँ पर ज्वाइन किया था और अब कंप्लीशन में है, तो मेरा सफ़र यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहा है। आगरा मेट्रो से जुड़ने की वजह यही है कि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और मेरा था कि मुझे गवर्नमेंट फर्म में ही जॉब करनी है, तो उसके लिए प्रिपरेशन की और मेरी फर्स्ट जॉब यही थी और मैंने यही परस्यू किया है। शॉर्ट टर्म में काम करता है, लॉन्ग रन में काम नहीं करता। तो शॉर्टकट एक छोटी खुशी मान सकते हैं, बट अगर आपको लॉन्ग रन में कुछ करना है तो आपको मेहनत करनी ही होगी। यहाँ पे काम का माहौल काफ़ी अच्छा है, हर किसी को हर तरीके का काम कराया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम जूनियर इंजीनियर हैं तो एक हमें वो भी कराया जाता है और हमें रीच आगे के लिए है कि जैसे हम और भी सीख सकते हैं।